जी, दिल्ली से है नेक्स्ट कॉलर विनय कुमार, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी विनय। जी मैम, मेरी उम्र है अभी 24 साल। एक्चुअली मेरे 3-4 साल से आगे से जो मतलब बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो मैंने उपाय भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया जितना भी मतलब नेचुरल होता है डॉक्टर के पास सब कुछ, बट वही उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा है उसमें, तो ठीक है उसी के लिए पूछना था। जी नजला तो नहीं रहता आपको? नजला, खांसी, बलगम? नहीं सर। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, अगर शैम्पू करते हो तो कुछ दिन के लिए छोड़ दो, 2-3 महीने के लिए, तो ये खुद ही बाल ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुश्मन आज शैम्पू है, और उस शैम्पू भी लें तो आयुर्वेदिक भी मिलता है, हम लोग भी बनाते हैं, कलौंजी का शैम्पू और ये आंवले का शैम्पू, और दो तरह से इलाज होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो बाहरी तौर पर तो आप कोई आयुर्वेदिक शैम्पू लें जिसमें कास्टिक सोडा कास्टिक ना हो, और अंदरूनी तौर पर असल में इलाज होता है, अंदरूनी तौर पर गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये वो चीज़ें जिससे बाल बनते हैं, जिससे कान बनते हैं, जिससे ये भवें पलकें बनती हैं। गौंद मोरिंगा सफ़ेद नकली बहुत मिलता है, असली लें, और 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर रोज़ाना पीना शुरू करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर हैं आशीष, स्वागत है आपका। हेलो सर, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। इलाहाबाद से? जी, ठीक है, आपका सवाल मेरी क्या है? जी मुझे 4-5 साल से एलर्जी की दिक्कत है, कैसी एलर्जी? मतलब सर्दी जुकाम हमेशा बने रहते हैं। उम्र क्या है आपकी? 23 साल। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो एलर्जी है, इसको कहते तो एलर्जी है, छींकें, खांसी, बलगम, ये सब, लेकिन ये असल में रोग क्या है कि हमारे बॉडी में, जिस्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बार बार हमें छींकें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार आता है। तो वक्ती तौर पर तो आप कोई भी दवा ले लिया करें और फ़ायदा भी हो जाता है, 1 हफ्ते को होता है फिर हो जाता है, ये है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक दवा है जो 5-6 महीने आप लगातार खाएं और खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें, तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। माजून आर केयर, माजून एक पेस्ट है, माजून आर केयर, आर फॉर राजस्थान, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह निहारो, 1 चम्मच रात को सोते समय, और गर्म पानी पीने की कोशिश करें 5 बार, और गर्म पानी से ये लें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। तो देखिए, इससे फ़ायदा होगा, तो फिर आपके अंदर कुव्वते मुदाफियत यानी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, फिर आपको यही क्या दूसरी बीमारियां भी बहुत कम परेशान किया करेंगी। आप अपना इलाज करें और खुश रहें। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मदन लाल जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार, सवाल करिए। जी मैम, मुझे खूनी बवासीर है, लेटरिन वगैरह से मैं ब्लड आता है लेटरिन में। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 46 साल, 46। ठीक है। हाँ मदन लाल जी, पता नहीं आप खुराना है कि नहीं है, मैंने तो नाम सुना है दिल्ली में बहुत खुराना साहब का, लेकिन कोई भी हो, फ़ायदा सबको होता है, चाहे मदन लाल हो या मदन लाल खुराना हो या कोई भी हो, दवा सब पर काम करती है, किसी से वैसा काम नहीं लेती कि दवा सबको फ़ायदा करती है, आपको भी फ़ायदा करेगी। देखिए एक चीज़ आती है लाजवंती, लाजवंती लिख लीजिए, लाजवंती के बीज आते हैं, 100 ग्राम ले लीजिए, लाजवंती 100 ग्राम, ठीक है, रसवंती 100 ग्राम, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, गौंद मोरिंगा सफ़ेद संभल के लेना, बहुत नकली मिलता है,
और धनिया 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं और 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम खाने से पहले पानी के साथ लिया करें। और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको कब्ज़ हो जाए, हल्का गज़ा खाएं जो आसानी से हज़म हो जाए। आप जानते होंगे कि आपको कौन सी चीज़ मुश्किल से हज़म होती है, कौन सी आसानी से। 4-5 महीने लगातार इलाज करें तो आपका समस्या का निदान मुमकिन है। अगले कॉलर हैं नागपुर से वंदना, स्वागत है वंदना जी। हेलो, हेलो जी, बताइए। चेहरे पर पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं, कमी नहीं हो रहे? उम्र क्या है आपकी? 18 साल। ठीक है, पिंपल्स 18 साल, बच्ची, बाल का प्रॉब्लम, पिंपल्स का प्रॉब्लम, हाइट का प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम रहते हैं 14 से 22 साल की बच्चियों को। और वाकई बहुत बुरा लगता है, कभी मेरे भी बहुत निकलते थे जब मैं 16 साल का था। तो इसकी दो ही तरीके हैं, या तो शादी हो जाए, अब शादी की तो आपकी उम्र नहीं है, करेंगे नहीं अभी तो आप पढ़ेंगे, या शादी हो जाए तो खुद ठीक हो जाते हैं, या फिर गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये एक अच्छा गौंद है अगर असली मिल जाए। नकली भी बहुत मिलता है, कोई लाल वाला दे देता है, कोई पीला वाला दे देता है, लेकिन गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली लें और 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम पानी में मिलाकर पी लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिहार से हैं आदित्य हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, सर जी, नमस्कार, बताइए। जी जी सर, हमको बाएं बगल कमर में दर्द रहता है और पाइल्स का समस्या 3-4 साल से है। हेलो, ठीक है ठीक है, आयु बता दीजिए। आयु सर मेरा 23 साल है, उम्र 23 साल। जी जी 23 साल। जी सर, कमर में दर्द रहता है और पाइल्स की समस्या है। ठीक है ठीक है ठीक है। गौंद स्याह आता है, काला गौंद कहते हैं इसे, ये आप लें और असली लें, नकली बहुत आता है, ये कड़वा होता है जायके में। और अगर असली मिल जाए तो 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम ये खाया करें, और दूध से खाएं आप, और दूध में 1 या 2 चम्मच भूसी इसबगोल आती है, या इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, भूसी इसबगोल भी कहते हैं, सत इसबगोल भी कहते हैं, ये मेडिकल स्टोर्स पे सब पर ही मिलती है। दूध में मिला लें 2 चम्मच और 0.5 ग्राम गोंद खाएं, 0.5 ग्राम ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत तेज़ होता है। और ये दूध जो इसबगोल मिला हुआ है ये पी लीजिए, आपकी दोनों समस्याओं का निदान मुमकिन है। गोंडा से हैं ममता जी, नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी मैम, सवाल करिए। सवाल करेगा, मेरा तलवा पैर से लेकर के कमर तक में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कितना दवा खाते छूटता नहीं है। कब से दर्द है ये? ये हो गया 3 साल, 3.5 साल से दर्द है, 3 साल। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरा एज वही 38-40 साल जा रहा है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। देखिए, दर्द ये जो आपको है, इसे गांव की जबान में कहते हैं लंगड़ी का दर्द, कमर से शुरू होकर पूरे पैर तक जाता है, कभी कभी दोनों पैरों में होता है, और ये उन महिलाओं को होता है जो बहुत मेहनती होती हैं। तो मेहनत के नाम पर काम करना बंद कर दीजिए, पोछा झाड़ू लगाना बंद कर दें तो बड़ा रिलीफ होता है। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला जिनके घरों में है, अगर नहीं है तो लगवा लें, नहीं तो ये जीवन भर परेशान करेगा आपको, इससे भी बहुत राहत होती है। और फिर आप जो दवा खाएंगे तो आपको फ़ायदा शुरू होगा, और अगर ये सब है उसके बावजूद फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर एक ही इलाज, गौंद स्याह, काला गौंद बहुत शक्तिशाली है, बहुत नकली भी मिलता है, बहुत सस्ता भी है और बहुत महंगा भी है। देखिए महंगा यूँ है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो पड़ता है,
और सस्ता यूँ है कि 10-12 रुपए रोज की खुराक पड़ती है। आपको सिर्फ 100 ग्राम खरीदना है, 100 ग्राम या 150 ग्राम, तो 100 ग्राम 10-1200 का आता है, जो 3 महीने चलता है। 1 ग्राम रोज खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, ये दो खुराक सिर्फ 10-12 रुपए रोज की पड़ती है। आप खाना शुरू करेंगे 5 दिन बाद फायदा शुरू करता है और 3 से 5 महीने में आपके रोग का इलाज मुमकिन है। लेकिन इसको खाने से पहले असली ज़रूर देख लें, और ये वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। जी, नोएडा से हैं अगले कॉलर रीटा, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार जी मैम, मैं बोल रही हूँ रीता, और मैम बात ये है कि मेरी बेटी 18 साल की है। ठीक है जी मैम, उसकी हाइट नहीं ज्यादा है। कितनी हाइट है? कितनी हाइट है? हाँ जी, हाँ जी बोल रही हूँ। हाइट कितनी है? हाइट 5 से बस ज्यादा है। थी कितनी उम्र बताए? 18। अच्छा देखो बेटा, बच्चियों की उम्र 18 साल तक बढ़ती है, किसी किसी में 20 साल तक भी ग्रोथ का मादा होता है। अभी मैं कह नहीं सकता कि इसकी हाइट बढ़ेगी बच्ची की या नहीं, लेकिन एक गोंद आता है, क्योंकि आप ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इससे पहले पहले लेना चाहिए। फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, वादा कुछ नहीं करता मैं, लेकिन अगर 18 साल से कम की हैं तो अंडर एज हैं तभी कोई भी दवा फ़ायदा करती है। बहुत से प्रचार होते हैं कि किसी भी उम्र में हाइट बढ़ सकती है, ऐसा मुमकिन नहीं है, झूठ होता है। तो एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना है, नकली बहुत मिलता है, सफ़ेद वाला ही लेना है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। इसको आप रॉ मटेरियल लें, पत्थर जैसा होता है गोंद है ना, क्योंकि गम है, इसको पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर दें। अगर गुंजाइश हुई तो ज़रूर इनकी हाइट बढ़ सकती है, गुंजाइश अगर ख़त्म हो गई, किसी किसी बच्ची में 20 साल तक भी लंबाई की गुंजाइश होती है, लेकिन मैं वादा नहीं करता, कोशिश कर लीजिए, आपको कामयाबी मिलना मुमकिन है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी लियाज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, संग्रामगढ़, यूपी संग्रामगढ़ से। आपका सवाल? हकीम जी है, नमस्कार हकीम जी को सवाल। जी आदाब, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है? चार दिन पहले हमने फोन किया था लिया, और हकीम जी जरा से हमको बताना है कि आपका परिवार देखते रहता हूँ, 1 महीने से बीमार हूँ, पपीते के पत्ता गिरे इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक काढ़ा, इससे काफी आराम हुआ हमको, मेरा सांस फूल जाती है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी आप घरेलू नुस्खा तो इस्तेमाल कर रहे हैं और बीमार बहुत दिन से हैं, आपको फ़ायदा भी है पपीते के पत्ते से, लेकिन इसके लिए जो भी इलाज और भी करना चाहें तो वो भी करिए। अगर एलोपैथ भी लेना चाहें तो वो भी साथ में ले सकते हैं, सिर्फ मेरी दवाइयों पर निर्भर ना रहे। मेरी दवाइयाँ दूर जाकर फ़ायदा करती है 2-4 महीने में, और अगर मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाएं, आपको फायदा मुमकिन है। यूपी से हैं हमारे साथ चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। हाँ हेलो जी, बताइए। कमर दर्द रहता है। कब से रहता है? कभी कभी हो जाता है। उम्र क्या है आपकी? 22-23 साल है। 22-23 साल जी। आपकी आयु तो बहुत लग रही है, आपके बेटे का प्रॉब्लम है? जी 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 जी। अच्छा देखिए, अभी कभी कभी होता है, कभी कभी मेरी कमर में दर्द आता है, तो ये मुस्तकिल भी हो सकता है। ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, यहाँ तक भी मैंने देखा कि लोग
जवान लोग आंसुओं से रोते हुए देखे। तो अभी कभी कभी है तो ले लीजिए गौन स्याह, काला गौन, एक ऐसा गौन जो अगर आपको 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है। कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी और इस दर्द से निजात दिलाना गौन स्याह की जिम्मेदारी। असली ले, फ़ायदा मुमकिन है।